आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। कोरोना संक्रमण को मात देने राजनांदगांव जिले में लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंच रहे हैं, तो वहीं जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ऐसे लोगों के घर तक अब वैक्सीनेशन पहुँच रहा है। राजनांदगांव जिले में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का कोरोना से बचाव के लिए 100% वैक्सीनेशन किए जाने का लक्ष्य लेकर स्वास्थ्य विभाग का अमला चल पड़ा है, जिसके तहत अब तक राजनांदगांव जिले के 16,12,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं 6,00,000 लोग अब भी टीकाकरण से छूटे हुए हैं। ऐसे लोगों को टीकाकरण केंद्रों तक लाने लगातार शासन प्रशासन के द्वारा प्रेरित किया जा रहा है, तो वहीं राजनांदगांव जिले के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के लोग जो टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां टीकाकरण की व्यवस्था उनके घरों तक पहुंच रही है। राजनांदगांव जिले के कई दुर्गम क्षेत्र ऐसे हैं जहां महज 2 या 3 घर ही हैं। ऐसे बिहार क्षेत्रों में आवागमन की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग का अमला उन 2-3 परिवारों तक भी पहुंचकर उनका टीकाकरण कर रहा है। इसके लिए बांस की मदद से अस्थायी नाव बनाकर नदियों को पार करते हुए स्वास्थ्य विभाग कमला टीकाकरण कर रहा है। टीकाकरण को लेकर राजनांदगांव जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि 100% टीकाकरण का लक्ष्य लेकर स्वास्थ्य विभाग चल रहा है और 16,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के मद्देनजर शासन की योजना के तहत सभी का टीकाकरण किया जाना अति आवश्यक है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए टीकाकरण को ही एकमात्र कारगर उपाय माना गया है। यही वजह है कि राजनांदगांव जिले में 18 वर्ष आयु पूरी कर चुके सभी लोगों का टीकाकरण करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जो लोग टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ऐसे लोगों तक टीकाकरण की व्यवस्था स्वयं पहुँच रही है। राजनांदगांव जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र मोहला मानपुर सालेवारा के दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य विभाग का अमला बड़ी मशक्कत के साथ पहुंचकर छूटे हुए लोगों का टीकाकरण कर रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अमले को कभी नदियां पार करनी पड़ रही है तो कभी पहाड़ियों की चढ़ाई कर पगडंडियों से होकर भी गुजरना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के घर पहुँच वैक्सीनेशन के इस विशेष अभियान से माना जा सकता है कि जल्द ही राजनांदगांव जिले के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाना संभव हो जाएगा। सर दुर्गम इलाकों में पहुंचकर वैक्सीन लगा रहे हैं। जनवरी माह से राजनांदगांव जिले में शासन के निर्देशानुसार लगातार हम लोग कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण का कार्य कर रहे हैं, जिसमें 18 साल से ऊपर सभी को टीका लगाया जा रहा है। इसमें गर्भवती माता शिशुवती माता भी शामिल हैं और लगातार हमारा प्रयास है कि सभी को दोनों डोज लग जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में राजनांदगांव जिले में प्रथम डोज और द्वितीय डोज मिलाकर 16,12,000 लोगों को टीका लग चुका है और लगभग 6,00,000 लोग बचे हैं जिसको फर्स्ट और सेकंड डोज लगना है। तो हमारा प्रयास लगातार जारी है। लोग निकल नहीं रहे हैं तो हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिला प्रशासन, पंचायत, जनप्रतिनिधि सभी मिलकर घर घर जाकर लोगों को समझाइश दे रहे हैं और घर में जाकर टीके लगा रहे हैं। इसी समय जो कठिन रास्ते हैं या कठिनाई वाले एरिया क्षेत्र है तो कहीं कहीं छोटी मोटी नदी भी पार करना पड़ता है, तो नाव बनाकर वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर साथ में टीम जाती है और लोगों को टीका लगा रही है और इस तरह हम लोग हर दूरस्थ अंचल में जा जाकर टीका का काम कर रहे हैं ताकि सभी को हम कोरोना जैसी बीमारी सुरक्षित रह सकें।